leads to question number 5th of exercise 4b, that is quadratic equation. Question number 5th is solve each of the following equation by using the method of completing the square. हमें ये equation solve करनी है by completing the square method. तो 5th question लिखते हैं हम. 5th question है हमारा 2x square plus 5x minus 3 equals to 0. तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2. तो ये आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना, तो 5 अपॉन 2 का हाफ करना डिवाइड बाय 2. तो उसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 लगा लेंगे. तो ये क्या कर सकते हैं हम, 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 4. तो 5 अपॉन 4 का स्क्वायर करना है हमें, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस का 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. अब बिना देखे मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ. तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर आगे माइनस 25 अपॉन 16 लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 अपॉन 2. तो माइनस 25 अपॉन 16 और 3 बाय 2 माइनस का ही था इक्वल्स टू 0. अब ये दोनों डिजिट, जो ये दोनों डिजिट्स हैं ये इधर चली जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी. तो ये आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 16 प्लस 3 अपॉन 2, राइट. तो अब ये आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 16 ही आएगा, आप चाहें तो लेख के देख सकते हैं. अब ये क्या आया 25 प्लस 2 8 जा 16, तो 8 की मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कितना आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 24 अपॉन 16. तो ये आ गया x प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 16. अब स्क्वायर हटा देंगे तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर हट गया, तो ये आ गया प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 16. अब हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट किसका होता है, तो x प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 अपॉन 4 आ गया, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये आ गया. अब एक बार x प्लस 5 अपॉन 4 को 7 अपॉन 4 के प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो देखिए x प्लस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 7 अपॉन 4 प्लस का, एक बार माइनस के साथ 7 अपॉन
4, तो देखिए क्या आता है, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 4, उधर जाके 5 अपॉन 4 माइनस का हो गया, तो x क्या आ गया, 4 LCM 7 माइनस 5, तो x आ गया 2 अपॉन 4 और 1/2 आ गया, राइट। अब इसी तरीके से ये वाली x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, माइनस 7 अपॉन 4, उधर जाके माइनस का हो गया 5 अपॉन 4, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 4 LCM आया माइनस माइनस 5, तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 4, तो 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3, तो 1 अपॉन 2 एंड माइनस 3 क्या हो गए, रूट्स ऑफ दी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, x स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट हटाना है, तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 3 बाय 3, तो ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना होता था, अब हमें x के साथ का जो कॉफिशियंट है, कितना है कॉफिशियंट, 1 अपॉन 3, उसको हाफ करना होता था, तो हाफ करने के बाद नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी की फॉर्म में आ गया, ये आप इंट्रो में देखेंगे कैसे समझाया हुआ है मैंने, तो ये आ गया 1 अपॉन 6। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने बिना कैलकुलेट किए प्लस के साइन वाली वैल्यू साथ में ली और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ गया, x, यहाँ पे x के कॉफिशेंट के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस साइन 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, x माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये दूसरी साइड चली जाएंगी, तो प्लस की हो जाएंगी, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये आया x माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, LCM लिया 36 ही आएगा, तो यहाँ 1 आया प्लस 2 इंटू 3 12 36, तो x माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 24 अपॉन 36, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 36। तो अब ये वाला स्क्वायर हटाएंगे, सेम मेथड पूरी एक्सरसाइज से करेंगे, सेम मेथड से, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 36। अब हमें पता है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है और 36 किसका होता है, तो हमने लिखा x माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 36 का स्क्वायर रूट है 6,
तो अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, x माइनस वन अपॉन सिक्स को एक बार प्लस के फाइव अपॉन सिक्स के साथ, एक बार माइनस के फाइव अपॉन सिक्स के साथ रखेंगे। तो देखिए x इक्वल्स टू ये उधर जाके वन अपॉन सिक्स प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वन अपॉन सिक्स, तो x कितना आ गया, सिक्स एल सी एम आया, फाइव प्लस वन तो x आ गया सिक्स अपॉन सिक्स, और वी कैन से दैट वन ये कैंसिल हो गए, राइट। इसी तरीके से दूसरी साइड निकालते हैं, दूसरा रूट निकालते हैं, माइनस फाइव अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स, तो x कितना आ गया, सिक्स एल सी एम आया, माइनस फाइव प्लस वन तो x आ गया ये हमारा माइनस फोर अपॉन सिक्स, और वी कैन से दैट टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, माइनस टू अपॉन थ्री। तो हमें पता चल गया कि वन एंड माइनस टू अपॉन थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आंसर।